तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग मेटल नॉन मेटल्स में हम लोग क्या देख लिए थे, मेटल नॉन मेटल्स में हम लोग मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लिए थे। तो आज हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से आगे। सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देख लिए थे। एक बार हम लोग ब्रीफली इसको रिकॉल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या था? पहला था मेटल्स आर मेलेबल। मेलेबिलिटी क्या था? मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, ये इसका मेलेबिलिटी था भाई। इस चीज को क्या कहते हैं? मेलेबिलिटी बोलते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी था मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टिलिटी क्या बोलते हैं? जिसमें मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू और मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। नेक्स्ट था मेटल्स आर लस्टरस, मतलब उसका शाइनी अपियरेंस होता है। उसके बाद मेटल्स आर जनरली हार्ड। देखो भाई, सब में कुछ एक्सेप्शंस भी होता है। प्रीवियस क्लास में हम लोग बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़े थे मेटल्स का, जिसमें हम लोग उसका एक्सेप्शंस नहीं पढ़े थे। पूरा का पूरा केमिस्ट्री जो हम लोग पढ़ते हैं ना, उसमें क्या क्या है, हर जगह एक्सेप्शंस मिलेगा। एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है? जो एक उसका डेफिनेशन है, जो उसका पैटर्न है, उसको जो फॉलो नहीं करता है, ऐसा जो चीज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेप्शंस बोलते हैं। जैसा मेटल्स क्या है? मेटल्स आर हार्ड। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड, इट मीन्स दे कैन नॉट बी कट इजीली। अब इसमें क्या है, कुछ एक्सेप्शंस है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या, और ये एक्सेप्शंस जो है ना, इसको याद रखना है। ये एक्सेप्शंस बता रहा हूं, एग्जाम्पल्स नहीं बता रहा हूं, ये एक्चुअली एक्सेप्शन है। ठीक है भाई, इसमें एक्सेप्शन क्या क्या आता है? क्योंकि तो क्वेश्चन जो आता है ना, वो एक्सेप्शन से ही आता है। जैसे एक मेटल है सोडियम, ठीक है, तो सोडियम इतना सॉफ्ट मेटल होता है कि इसको एक नाइफ से, किचन नाइफ से भी इजीली कट कर सकते हैं। तो ये हार्ड तो नहीं हुआ, ये सॉफ्ट हो गया, लेकिन ये एक्सेप्शन में आता है क्योंकि ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। इसके अलावा जितना भी मेटल्स है ना, इसके अलावा इसमें बहुत सारा चीज नहीं लिखा हुआ। जैसे मेटल्स क्या होता है? नॉर्मली सॉलिड होता है। मेटल्स क्या होता है? सॉलिड होता है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस है। क्या? मरकरी। मरकरी जो है एक ऐसा मेटल है जिसका सिंबल होता है Hg और लेटिन नेम होता है इसका हाइड्रार्जिरम। तो मरकरी जो होता है, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो है, इसमें ये लिक्विड स्टेट में होता है। थर्मामीटर में हम लोग मरकरी को इजीली देख सकते हैं। तो ये एक्सेप्शन है इसका। उसी तरह से सोडियम इसका एक्सेप्शन हो गया। मरकरी जो है हार्डनेस वाले में भी एक्सेप्शन में हम लिख सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। तो ऐसा कुछ एक एक्सेप्शन है इसमें, जिसको हम लोग देख लेंगे बाद में। आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या देखेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे मेटल्स का, फिर हम लोग देख लेंगे नॉन मेटल्स का भी। ठीक है भाई, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे नॉन मेटल्स का, फिर हम लोग कंपैरिजन भी करेंगे। ठीक है, कंपेयर भी करेंगे और ऐसा आगे बढ़ते जाएंगे। आगे देखते हैं, तो ये एक पैटर्न होता है जिसमें अगर कोई मेटल है, तो अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो वो क्या बनाएगा? मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाता है। क्या बनाता है? मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाता है। जो भी इंपॉर्टेंट लाइन लगेगा, उसको साथ ही साथ कॉपी में लिखते भी जाना है ना, फर्दर यूज के लिए। तो ये साथ साथ करते रहेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स मेटेलिक ऑक्साइड्स। ठीक है, एंड अगेन व्हेन मेटेलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद वाटर, इट फॉर्म्स बेस ऑफ दैट मेटल। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल है क्या? मैग्नीशियम। देखो भाई, एक नॉर्मल पैटर्न है, किसी भी एलिमेंट के नाम में अगर अम लगा हुआ है। देखो, ये कोई ऐसा यूनिवर्सल नियम नहीं है, पहले बता रहा हूं, ये एक बेसिक आइडिया है तुम्हें इमीडिएट समझने के लिए कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है। अगर उसके लास्ट में सफिक्स, इंग्लिश वाले क्लास में हम लोग प्रीफिक्स सफिक्स देखे थे,
तो अगर ये अम सफिक्स लगा हुआ रहे तो उसको हम लोग क्या समझेंगे, मेटल है। फिर से बता रहा हूं, ऐसा हमेशा नहीं होता है लेकिन मोस्टली ऐसा है। ठीक, अब कुछ एक एलिमेंट है जिसके लास्ट के में अम नहीं लगा हुआ है लेकिन उसका जब लेटिन नेम देखोगे तो उसमें अम मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं, एक है आयरन, इसमें लास्ट में अम तो नहीं है लेकिन जब इसका लेटिन नेम देखेंगे, आयरन का लेटिन नाम क्या होता है, फेरम होता है, तो फेरम के लास्ट में एम है। तो कई सारा मेटल ऐसा है जिसके जिसमें सफिक्स अम नहीं लगा हुआ है लेकिन जैसे उसका लेटिन नेम में जाते हैं हम लोग तो वहां अम मिल जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिक आइडिया डेवलप कर सकते हैं कि जिसके लास्ट में अम हो वो मेटल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारा मेटल है तो उसके लास्ट में अम लगा हुआ ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्टली ऐसा है। जैसे मरकरी अभी हम लोग देख रहे थे, तो मरकरी में क्या है, कोई अम नहीं है लेकिन इसका जो लेटिन नेम है हाइड्राजीरम, उसमें अम लगा हुआ है। उसी तरह से गोल्ड है, गोल्ड में क्या है, कोई अम नहीं है लेकिन इसका जब लेटिन नेम जानेंगे तो इसका लेटिन नेम होता है ऑरम, उसमें भी अम है। उसी तरह से अगला है सिल्वर, सिल्वर का क्या है लेटिन नेम, एर्जेंटम, तो इसके लास्ट में भी अम आ गया। ऐसा बाकी जो जैसे अभी हम लोग देखे थे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब के लास्ट में ऑलरेडी अम है। तो अगर ऐसा कहीं अम दिखे तो ये समझ जाना है वो क्या होगा, मेटल होगा मोस्टली, मोस्ट ऑफ द केस में। ठीक है भाई, इसके बाद एक चीज आता है अन, है ना, अन माने ये अन ऐसा लिखते हैं, है ना, अन सफिक्स, ये अगर लगा रहे ये मोस्टली क्या होता है, नॉन मेटल होता है। ठीक है भाई, देखो ये एक समझने के लिए बस, ये ऐसा कोई मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस ऐसा डिफाइन करने के लिए कोई तरीका नहीं है, ये बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए है कि अगर नॉन मेटल है तो उसके लास्ट में अन होगा, ऐसा है। तो जैसे ऑक्सीजन है लास्ट में अन है, हाइड्रोजन है ना। अब जैसे कुछ एक हम लोग इसमें पैटर्न में जो नहीं आता उसको भी देख लेते हैं। जैसे एक है एलिमेंट हीलियम, अब लास्ट में क्या है, अम है लेकिन ये नॉन मेटल है। इसीलिए कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि लास्ट में अम होगा तो वो मेटल ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा होता है। इसलिए बताया कि ये कोई रूल नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए, और केमिस्ट्री में ऐसे भी कोई रूल नहीं होता है, हर जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शन मिलता ही मिलता है। उसी तरह से समझ सकते हो कि यहाँ भी एक्सेप्शन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उस तरह से मैग्नीशियम जो है, हम लोग आगे जब देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि तीन एलिमेंट जो है उसको हम लोग इस तरह के केस में, रिएक्शंस के केस में हाईली कंसीडर करते हैं। उसका नाम याद रखना है, उसका नाम है पोटेशियम, इसको लिख लेना है, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। ये तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी एग्जाम में मेटल का रिएक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए, इस तीन एलिमेंट का, तीन एलिमेंट की खासियत क्या है, तीनों मेटल की खासियत क्या है, एलिमेंट तो ये मेटल भी है ये, तो इन तीनों मेटल्स की खासियत क्या है, ये मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं, है ना। जैसे पोटेशियम जितना रिएक्शन परफॉर्म करता है उतना रिएक्शंस सिल्वर परफॉर्म नहीं करता, सोडियम जितना रिएक्शन परफॉर्म करता है उतना रिएक्शंस आयरन परफॉर्म नहीं करता है, लेकिन ये तीन जो है ना ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स भी आते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन है तो यही है ना, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है। तो आगे धीरे धीरे इसमें लोग जब जाएंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज देखने के बाद थोड़ा हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज भी देख लेंगे, उसमें पता चलेगा। अब इसको याद रखना है ना, तो इसको याद रखने लोग क्या चीज, कैसे याद रखते हैं, पोटेशियम सोडियम और कैल्शियम को इसको याद रखना है ऐसा, है ना, पोसो का याद रखना है, क्या रखना है याद, पोसो का क्या रखना है, पोसो का, ये पोसो का जो है ये हाईएस्ट रिएक्टिविटी है इसका, है ना, रिएक्टिविटी सीरीज में भी ये हमेशा टॉप पर ही मिलता है। जब हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे उस समय में पता चलेगा। ठीक है भाई, तो मेटल्स का जो पूरा सीरीज है उसमें ये तीनों क्या करते हैं, टॉप पर रहते हैं, तो इनको याद रखना है। इन तीनों खासियत क्या है, ये तीनों ऑक्सीजन से भी रिएक्शन कर लेते हैं,
वाटर से भी रिएक्शन कर लेते हैं और इजीली रिएक्शन कर लेते हैं, जिसमें सोडियम के साथ खासियत क्या है, अगर एक सोडियम का ऐसा मान लो इतना बड़ा सोडियम का बार है और इसको सिंपली क्या करना है, पानी में डाल देने से क्या करता है ये विगरसली रिएक्ट करता है पानी के साथ। ऐसा अगर तुम मैजिक दिखाना चाहते हो तो क्या करो, ऐसा पानी ले लो और एक सोडियम का टुकड़ा क्या करो पानी में डाल दो, क्या होगा पता है, सोडियम क्या करता है धीरे धीरे घूमना शुरू करता है, घूमते घूमते स्पीड से घूमने लगता है और घूमते घूमते आग पकड़ लेता है उसको, तो मैजिक हुआ नहीं हुआ। अब तुम मान तुम्हारे गांव में एक आ गया मैजिशियन, बोले देखिए आपको दिखाते हैं मैजिक, एक टुकड़ा ले लिया सोडियम का, मान लो उसको कलर करके रखा है वो ताकि तुम्हें समझ ना आए कि सोडियम है, मतलब गाँव में ऐसे भी लोगों को क्या समझ में आएगा सोडियम की क्या है, कोई देखा तो है नहीं सोडियम कैसा होता है। अब वो उसको क्या करेगा, ऐसा कुछ भी ऐसा मतलब बोल के उसमें पानी में मार दिया, मान लो तो क्या होगा, लोग क्या होगा हाईली इंप्रेस हो जाएगा, अरे गजब ये तो सही में मतलब बिना माचिस के आग लगा दिया। लेकिन ऐसा क्यों होता है, तो साइंस जो है इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। साइंस क्या होता है, जो सोडियम होता है ना, सोडियम का सिंबल क्या होता है, सोडियम का सिंबल होता है Na और सोडियम का लेटिन नाम होता है नेट्रियम। ये सब लिखते भी जाना और साथ ही साथ याद भी करते जाना है ना, तो सोडियम का लेटिन नाम होता है नेट्रियम, यहीं से आया Na, ठीक है भाई, सिंबल इसका यहीं से आता है, ठीक। Na जो है ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है और वाटर से रिएक्शन कर लेता है। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन और भी आता है कि जब सर ये सोडियम जो है एयर से भी रिएक्शन कर लेता है, इतना हाईली रिएक्टिव है, वाटर से भी रिएक्शन कर लेता है, तो आखिर इसको रखेंगे कैसे फिर, अरे रखना तो होगा ना कहीं ना, स्टोर तो करना पड़ेगा भाई, लेबोरेटरी में तो रखना पड़ेगा। मान लो कि मैं तुम्हें सोडियम का रिएक्शन दिखाना चाहता हूँ, अब मैं उसको बाहर निकालता हूँ तो रिएक्शन कर लेता है, पानी में डाल रहा हूँ तो भी रिएक्शन कर लेता है, रखेंगे कैसे उसको। अगर मैं उसमें मैजिक ही दिखाना चाहता हूँ, मैं किधर से निकालूंगा, झोला में रखूंगा तो एयर के कांटेक्ट में है, डब्बे में रखूंगा तब भी एयर के कांटेक्ट में है, पानी में डुबा के रखूंगा तब भी वो रिएक्शन कर लेगा, भाई रखेंगे कैसे, इतना हाईली रिएक्टिव मेटल इसको रखेंगे कैसे, ये भी तो इशू है ना, लेबोरेटरी में इसको कैसे रखा जाता है। तो इसको रखा जाता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में डुबा करके, जैसे केरोसिन ऑयल। तो सोडियम को कैसे रखा जाता है, कैसे स्टोर किया जाता है, केरोसिन ऑयल में, सोडियम केरोसिन ऑयल के साथ रिएक्शन नहीं करता, इसीलिए इनको स्टोर करने का तरीका क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आता है कि सोडियम जो है ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, एयर से भी विग्रेसली रिएक्ट करता है, वाटर से भी विग्रेसली रिएक्ट करता है, तो आखिर इसको स्टोर कैसे करेंगे, इट इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल, इट इज डीप्ड इन केरोसिन ऑयल, ठीक है, क्योंकि केरोसिन से रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता। अब Na क्या करता है, जैसे ही इसको पानी में डालते हैं, पानी में डालते हैं का मतलब H2O में डालते हैं, पानी का मतलब क्या होता है H2O, तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, Na क्या हुआ, सोडियम हो गया, इसको डाल दिए कहाँ तुम, पानी में डाल दिए यानी H2O में डाल दिए, ये रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है इसको समझना है ना, बेसिकली रिएक्शन जो होते हैं ना ये टू टाइप्स के होते हैं, कितना टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, इसको थोड़ा समझना है, तो इसको हम लोग थोड़ा लिखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। रिएक्शन जो है वो बेसिकली हो रहा है टू टाइप्स का, कितना टाइप्स का हो रहा है, टू टाइप्स का हो रहा है, रिएक्शन जो है इसको हम लोग टू टाइप्स में ग्रुप करते हैं, पहला है इंडोथर्मिक रिएक्शन, पहला क्या है, पहला है इंडोथर्मिक रिएक्शन, पहला है इंडोथर्मिक रिएक्शन, पहला है इंडो इंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहला क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा है एक्सोथर्मिक। प्रीवियस क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए थे कि एक वर्ड है, वो वर्ड है थर्मा, ये जहां भी मिले इसका मतलब क्या होता है, टेम्परेचर होता है, ये ध्यान रखना, इसीलिए मतलब रूट वर्ड जानना बहुत जरूरी है। तुम एक बार रूट वर्ड समझ लेते हो इसका वाइड एप्लीकेशन होता है। अब देखो यहाँ भी थर्मा वर्ड है ना यहाँ भी थर्मा वर्ड है, इसका मतलब रिएक्शंस को जो हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं इसका बेसिस क्या है,
पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि जब भी क्लासिफिकेशन होता है कहीं भी साइंस में तो वो ऑन सर्टेन बेसिस होता है। क्या होता है? सर्टेन बेसिस होता है उसका। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके बस क्लासिफाई कर देना, ऐसा नहीं। कोई ना कोई हमारे पास तरीका होता है कि इसी बेसिस पर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। तो अगर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक है तो साफ साफ दिख रहा है कि इस केस में अभी जो हम लोग रिएक्शन को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर कर रहे हैं। ठीक है भाई, हम लोग कर रहे हैं अभी ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? देखो, अभी हम लोग एक्सो मतलब क्या होता है? एक्सो मतलब होता है आउट। एक्सो मतलब आउट। इंडो मतलब क्या होता है? इन। इन और आउट समझ में आ गया है ना। तो इंडो में क्या होता है? टेम्परेचर इन होता है और एक्सो में टेम्परेचर आउट होता है। इन और आउट का मतलब, अगर कोई रिएक्शन जिसमें वो टेम्परेचर को, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसमें क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब होगा। इसमें हीट क्या होगा? हीट इसमें एब्जॉर्ब होगा और इसमें क्या होगा? हीट रिलीज होगा। इसको अगर इंपॉर्टेंट समझते हैं, लिखते जाना है। इसमें हीट क्या होगा? रिलीज होगा। तो एक्सोथर्मिक का मतलब ऐसा सारा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रहा हो। एंडोथर्मिक का मतलब ऐसा सारा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा हो। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, हम लोग ऐसा कोई भी स्पिरिट, एसीटोन, ऐसा कुछ भी जब हमारे हाथ पर आता है तो क्या होता है? वो ठंडा फील कराता है। ठंडा फील क्यों कराता है? बॉडी का टेम्परेचर वो लेता है। बॉडी का टेम्परेचर ले रहा है, ऐसा सारा रिएक्शन जिसको टेम्परेचर चाहिए उसको हम लोग कैटेगरी किसमें रखते हैं? इंडोथर्मिक में रखते हैं। और ऐसा सारा रिएक्शन जिसको टेम्परेचर वो इवॉल्व भी करता और देता है उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, है ना। किचन जाते हैं, किचन में हम लोग गैस ऑन कर देते हैं, है ना। गैस ऑन जो करते हैं तो वो क्या होता है? कंटीन्यूअस रिएक्शन चल रहा होता है ना। हम लोगों को लगता है कि खाना बन रहा है लेकिन एक रिएक्शन चल रहा। तो रिएक्शन क्या होता है उसको समझते हैं। जो किचन में है, जो गैस सिलेंडर है, सिलेंडर में कौन सा यूज होता है? गैस कौन सा यूज होता है भाई? एलपीजी। एलपीजी एक्चुअली कौन सा गैस है ना? एलपीजी तो एक ब्रॉड में लिख दिया जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वो लिक्विड नहीं है भाई, लिक्विफाइड है, ये ध्यान रखना है ना। क्या है वो? लिक्विफाइड है। लिक्विफाइड का मतलब क्या होता है? लिक्विड और लिक्विफाइड में क्या अंतर है? उसको लिक्विड क्यों नहीं बोल सकते? एलपीजी को लिक्विड क्यों नहीं बोल सकते? किसी को पता है? ध्यान दीजिए, तो एलपीजी लिक्विफाइड इसलिए बोलते हैं भाई, उसको हाईली कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेस्ड रहता है, वो लिक्विड रहता नहीं, उसको लिक्विड बनाया जाता है। वो लिक्विफाइड है, उसको किया गया है ना। नॉर्मली वो गैस स्टेट में होता है लेकिन जब हाईली कंप्रेस करते हैं तो वो कन्वर्ट होता है किसमें? अपने लिक्विड स्टेट में, इसलिए उसको लिक्विफाइड बोलते हैं। वो लिक्विड नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता, वो बनाया जाता है, उसको लिक्विफाइड किया जाता है, इसलिए उसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। एक्चुअली जो है उस सिलेंडर में गैस जो रहता है उस गैस का नाम है ब्यूटेन। क्या नाम है उसका? ब्यूटेन। तो ऐसा जब हम लोग सीरीज पढ़ते हैं ना तो उसमें सबसे प्राइमरी गैस जो होता है वो होता है मीथेन। जैसे दो तरह का गैस हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, एक है एलपीजी है ना जो डोमेस्टिक सिलेंडर में भरा होता है, और एक तुम सुनते होगे सीएनजी। ये सीएनजी क्या है? जिससे मेट्रोज में या दिल्ली वगैरह में गाड़ियां चलती हैं, है ना। सीएनजी बस, सीएनजी गाड़ी, ऐसा समझते हैं, सुनते हैं। तो ये क्या है? ये कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस, ये लिक्विफाइड नहीं होता, ये कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस और ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है भाई, सीएनजी जो है ना इसमें मेनली क्या होता है? मीथेन होता है, लेकिन इसमें सिर्फ मीथेन होता है ऐसा नहीं है। इसमें मीथेन भी हो सकता है, इथेन भी हो सकता है, प्रोपेन भी हो सकता है, पूरा सीरीज है, थोड़ा थोड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेजर कंपोजिशन किसका होता है? मीथेन का होता है। लेकिन जो डोमेस्टिक सिलेंडर है एलपीजी उसका मेजर कंपोजिशन क्या है? ब्यूटेन। इस तरह का कोई भी चीज जैसे मीथेन है ना,
मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, क्या होता है CH4 होता है। और जो ब्यूटेन होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला C4H10 है ना। तो चाहे मीथेन को जलाओ, जलाओ मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन है ना, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। दुनिया में कहीं भी कोई चीज अगर जल रहा है उसको केमिस्ट्री में लोग कंबसन बोलते हैं, और उसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है याद रखना है इसको, है ना, ये भूलने से सब गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कहीं भी जहां भी कंबसन है उसका मतलब यही होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। कहीं भी कंबसन हो रखा है मतलब क्या हो रहा है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ये ध्यान रखना। अब क्या घर में किचन में जैसे ही इसमें लाइटर लगाए, ये जलना शुरू किया, जलना शुरू किया का मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूअसली इट स्टार्ट रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, है ना। अभी एटमोस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करना शुरू कर दिया है ना। उसी तरह से घर में जो ब्यूटेन गैस है उसको भी जैसे लाइटर लगाए वो भी कंटिन्यूअसली रिएक्ट कर रहा है किससे, ऑक्सीजन के साथ। और ये क्या बनाता है, ये जैसे ही मीथेन या फिर ब्यूटेन कुछ भी जलेगा ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल, है ना, ये कंटिन्यूअस चलता रहता। और इसके साथ साथ ये रिलीज करता है क्या, हीट, जिससे बन जाता हमारा खाना, नहीं तो ये भी रिलीज करता है, ये CO2 भी रिलीज करता है, H2O भी रिलीज करता है, साथ ही साथ एक्सेस अमाउंट में हीट रिलीज करता है। इसीलिए इस तरह का रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्यों क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि ये रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जो हीट रिलीज करता है। हो गया, समझ में आ गया, एक्सोथर्मिक समझ में आ गया। तो अब आते हैं हम लोग सोडियम के पास, तो सोडियम क्या हमारा Na है, Na को जब हम लोग वाटर में डुबोते हैं तो ये क्या करता है, Na वाटर से रिएक्शन करता है, और ये जो रिएक्शन करता है ना ये रिएक्शन भी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ये भी हीट रिलीज करेगा। और ये सोडियम जो वाटर से रिएक्शन करता है ना तो ये बनाता है सोडियम का हाइड्रोक्साइड NaOH, है ना, ऐसे ही लिखना है, ए स्मॉल ओ कैपिटल और एच कैपिटल, ठीक है, ऐसे ही लिखना जिस फॉर्म में लिखा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया सोडियम, ये हो गया वाटर, है ना भाई। तो व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर इट फॉर्म्स हाइड्रोक्साइड ऑफ सोडियम, दैट इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसके साथ ही साथ ये रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस, H2 भी रिलीज करता है, साथ ही साथ ये रिलीज करता है हीट, अब जाके ये रिएक्शन हमारा कंप्लीट होता है, इतना चीज रिलीज होता है। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, Na+H2NaOH लिख देते हैं, हो जाता हमारा काम, लेकिन एक्चुअली ये हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करता है और साथ ही साथ रिलीज करता है क्या, हीट। हाइड्रोजन गैस क्या होता है, ये हाईली इनफ्लेमेबल होता है ना, और ब्लास्टिंग साउंड, ब्लास्टिंग नेचर होता है जलने का। तो जैसे ही सोडियम को पानी में डालते हैं ये क्या करता है, घूमना शुरू करता है, घूमना क्यों शुरू करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है तो उससे उसको पुश मिलता है, घूमना शुरू किया और रिलीज किया क्या, हाइड्रोजन गैस, और साथ ही साथ रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है, हीट भी रिलीज कर दिया, जैसे ही हीट मिलता है हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन जलना शुरू कर देता है ना। तो जैसे ही तुम सोडियम डालोगे पानी में इट स्टार्ट्स बर्निंग, है ना, हो गया मैजिक, हो गया मैजिक। आगे क्रिएशन कंटिन्यूस चल रहा है तो आगे कंटिन्यूस जलता रहेगा। तो हाइड्रोजन जो जलता है किसी भी रिएक्शन में उसको पहचाने का तरीका क्या है, ये पॉप साउंड के साथ जलता है, कैसे जलता है, पॉप साउंड के साथ जलता है, कैसे जलता है, पॉप साउंड के साथ जलता है ना, ऐसा पॉप मारेगा और जल जाएगा। तो जब भी ऐसा जले रिएक्शन में तो क्या समझना है वहां पर, कि वो हाइड्रोजन जल रहा है, समझ गए। हम लोग एक दो टेस्ट देखेंगे जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि ये ऑक्सीजन है या फिर हाइड्रोजन है। तो इस केस में ऐसे ही पता किया जाता है इसके नेचर से कि ये ऑक्सीजन था कि हाइड्रोजन था, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग यहां देखते हैं, उसी तरह से मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम एक ऐसा मेटल है जो बहुत रिएक्टिव होता है, और ये जब रिएक्शन करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाता है,
मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है, क्योंकि कोई भी मेटल जब है वो रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। और कोई भी जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम है तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, कैल्शियम है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, आयरन है तो आयरन का ऑक्साइड बनाएगा, है ना, कॉपर है तो कॉपर का ऑक्साइड बनाएगा। तो ये याद रखना है कि कोई भी मेटल जो होता है वो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, उस मेटल का ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ एक एक्सेप्शंस भी है, उसको भी ध्यान में रखना है। जैसा एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ये है हमारे गोल्ड, है ना भाई, गोल्ड की, गोल्ड का क्या खासियत होती है, गोल्ड किसी भी कंडीशन में चाहे तुम कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो, कुछ कर लो, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता। इसीलिए पूरे नेचर में कहीं भी लेबोरेटरी में गोल्ड का ऑक्साइड नहीं मिलता, समझ गए बात को। लेकिन नॉर्मली जो मेटल, ये एक पैटर्न है जो नॉर्मली सारा मेटल्स फॉलो करता है, वो पैटर्न क्या है, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मेटलिक ऑक्साइड्स ऑफ दैट मेटल। ठीक है भाई, अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पे। मेटलिक ऑक्साइड्स जो है ना, ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ और क्या बनाता है, बेस बनाता है। देखो ये Na जो है, अगर इसको हम जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये Mg का लिया हुआ है, Mg जो मैग्नीशियम जो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। और ये फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड फिर वाटर से रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। ठीक है, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड्स, अगेन व्हेन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद वाटर इट फॉर्म्स हाइड्रोक्साइड ऑफ दैट मेटल। एक पैटर्न ये होता है, कुछ एक पैटर्न होता है जो डायरेक्ट बाईपास होता है। जैसे जैसे अभी हम लोग ये लिखे, ये एक ऐसा मेटल है डायरेक्टली रिएक्ट्स विद वाटर, सर्टेन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर डायरेक्टली, उसमें ये तीन मेटल्स आता है, कौन कौन उसमें आता है, ये कौन कौन, पोटेशियम, सोडियम, इसीलिए पता है इसको याद रखो, कैल्शियम। ये तीन के साथ खासियत क्या है ना, इट कैन डायरेक्टली रिएक्ट विद वाटर, लेकिन इसके अलावा, इस तीन के अलावा जो बाकी मेटल्स है ना, वो नॉर्मल कंडीशन में डायरेक्टली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, वो पहले ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्म करेगा, ऑक्साइड के बाद वो फिर वाटर से रिएक्ट करके बेस बनाता है। ये नॉर्मल पैटर्न है रेस्ट ऑफ द मेटल्स के लिए, लेकिन ये तीनों मेटल के साथ क्या, ये नॉर्मल कंडीशन में भी, नॉर्मल कंडीशन मतलब होता है कोल्ड वाटर के साथ, देखना यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन मतलब, हाँ क्योंकि नॉर्मली वाटर नेचर में कैसा मिलता है, जैसा मिलता है उसके बारे में बात करो, है ना, नॉर्मल कंडीशन मतलब कोल्ड वाटर। कुछ एक मेटल होता है जो वेपर से रिएक्ट करता है ना, वेपर फेज में रिएक्ट कर लेगा, नॉर्मली रिएक्ट नहीं करेगा, तो वो एक कंडीशन हो गया। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन मतलब विद कोल्ड वाटर, लेकिन ये तीन मेटल ऐसा है जो कोल्ड वाटर के साथ भी शानदार रिएक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है भाई, इसीलिए बता, इन तीन का नाम याद रखोगे तुम्हारा काम बेहतरीन चलने वाला है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन लोगे वो भी काम करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन लोगे वो भी काम करेगा, इनका ऑक्साइड भी बनता है इजिली और इनका हाइड्रोक्साइड भी बनता है इजिली। और जो और इम्पोर्टेंट चीज है, आगे जब लोग आगे क्लास में एसिड बेस पढ़ेंगे तो पता चलेगा इन तीनों का जो बेस होता है वो शानदार बेस होता है, और शानदार मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, क्योंकि आगे जब हम जा रहे हैं तो बेस को क्लासिफाई करते हैं, बेस को क्लासिफाई किया जाता है स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस में। ठीक है भाई, तो इनका जो बेस बनता है वो कैसा बनता है, स्ट्रॉन्ग बेस बनता है, कैसा बेस बनता है, स्ट्रॉन्ग बेस बनता है। तो आगे बढ़ते हैं, एन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है भाई, सॉल्यूशन समझ में आता है, सबसे पहले थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, यहाँ ये जानना जरूरी, पहले जानेंगे थोड़ा सा सॉल्यूशन क्या होता है, फिर जानेंगे एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। हाँ यार, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है भाई, एक्वस सॉल्यूशन में भी एक रूट वर्ड है, वो रूट वर्ड जो है ना ये लोग देखेंगे और वो जहां भी मिले उसका मतलब वही हो जाता है ना। क्लास में सब लोग रेगुलर रहेंगे, अगर इतना चीज एक क्लास में मिस हो गया ना तो अगला क्लास तुम्हारा बाउंसर जाने वाला है फिर, है ना, समझ गए ना, और उसके बाद सारा मौज मस्ती निकल जाएगा। तो देखिए भाई आगे, एक्वस सॉल्यूशन है, यहाँ देखो एक्वस सॉल्यूशन लिखा हुआ है ना,
एक वर्ड आता है, रूट वर्ड है उसका, लिक वर्ड है एक्वा। एक्वा मतलब क्या होता है? अब जब एक्वा का मतलब हमको पता है ना, तो हम एक्वस का मतलब भी समझ सकते हैं, समवॉट रिलेटेड टू वाटर, है ना। दूसरा टर्म है इसमें सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है भाई? तो तुम्हारे लेवल पे सॉल्यूशन को हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है, एक को बोलते हैं हम लोग सॉल्यूट और एक को बोलते हैं सॉल्वेंट, है ना। और जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो शुगर और वाटर का मिक्सचर है या फिर साल्ट और वाटर का मिक्सचर है ना। ऐसा साल्ट प्लस वाटर है मान लो। इस केस में साल्ट जो है वो सॉल्यूट है और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, और इनका कॉम्बिनेशन जो है वो क्या है? सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन समझ में आ गया? तो सॉल्यूशन जब भी हम लोग देखेंगे तो उसमें दो चीज जरूर होगा, वन इज सॉल्यूट, अनदर वन इज सॉल्वेंट, है ना। अगर इसमें कभी कंफ्यूजन आ जाए कि कौन सा सॉल्यूट था कौन सा सॉल्वेंट था, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे मन में कंफ्यूजन आ रहा है कहीं साल्ट ही तो सॉल्वेंट नहीं था, ऐसा कंफ्यूजन आता है, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, पूरे जीवन में ऐसा कंफ्यूजन ना आए, उसके लिए क्या करना है? एक लाइन याद रखना है। एक लाइन याद रखना है क्या? वाटर, एक लाइन याद रखना है, वाटर इज अ यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? सर्वव्यापी। हाँ, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ऐसा याद रखना है इस लाइन को, और ये लाइन ट्रू भी है ना, ये एक तरह का ट्रूथ भी है विद सर्टेन एक्सेप्शंस, है ना। जैसे आगे जब सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो और डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा, जब लोग पोलर सॉल्वेंट्स नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग जानते हैं उस समय कि पोलर सॉल्यूट्स जो है इट कैन डिजोल्व इन ओनली पोलर सॉल्वेंट्स, है ना। वाटर कैन डिजोल्व ओनली पोलर सॉल्यूट्स, नॉन पोलर सॉल्यूट्स जो है वो वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। जैसे केरोसिन को अगर पानी में डालेंगे तो मिक्स होगा क्या? क्या होता है केरोसिन? फ्लोट्स ऑन वाटर। क्यों? केरोसिन जो है वो क्या है? नॉन पोलर है, और वाटर क्या है? वो पोलर है। तो पोलर नॉन पोलर ये सब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, इसको आगे देखेंगे ये सब क्या होता है। फिलहाल लेकिन समझ लेना है कि ये लाइन से तुम्हारा काम चल जाएगा, जनरली वाटर इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इससे समझ में आ जाएगा तुरंत कि सॉल्वेंट कौन था भाई? वाटर था। उसके अलावा जो था वो क्या था? सॉल्यूट था। तो यहाँ शुगर क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। साल्ट क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो सॉल्यूशन समझ में आ गया। एक्वस क्या होता है? जब उसमें से सॉल्वेंट हमारा वाटर हो, ये फिक्स हो वाटर होगा, तो इस तरह का सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं केमिस्ट्री में? एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। केमिस्ट्री में अगर कहीं भी एक्वस सॉल्यूशन लिखा हुआ रहे, मतलब समझ जाओ उसमें सॉल्वेंट क्या है? वाटर है ना। क्योंकि मामला केमिस्ट्री का, उसमें सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा वाटर ही होगा। तो उस केस में जब वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं तो हम लोग उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, ये क्या होता है इसको समझते हैं। इसको बोलते हैं लिटमस टेस्ट। इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लिटमस टेस्ट। क्या बोलते हैं? लिटमस टेस्ट। लिटमस का ना पेपर भी आता है और लिटमस का सॉल्यूशन भी आता है ना भाई, दोनों चीज आता है। तो लिटमस टेस्ट आप लिटमस के पेपर से भी कर सकते हैं और लिटमस का सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, ये कोई बहुत अजूबा चीज नहीं है। लिटमस पेपर किसी भी दुकान में मिलता है, मेडिसिन वाले दुकान में, जिसमें कि बायोकेमिस्ट्री की दुकान में मिल जाएगा, उसको अगर बोलोगे ये सर दीजिए, अगर उसको पता होगा तो दे देगा, और कोई बहुत कॉस्टली चीज भी नहीं है, ठीक है। पेपर स्ट्रिप जैसा रहता है, ऐसा स्ट्रिप आता है इसका, और ये स्ट्रिप क्या होगा? ऐसा, सॉरी, ऐसा टू पार्ट्स में ये डिवाइडेड रहता है ऐसा करके, बीच में ऐसा एक तरफ हल्का रेडिश जैसा रहेगा और एक तरफ हल्का ब्लूइश जैसा रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है, कौन? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। इसका नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर होता है। ये वो बेसिक नहीं है जो हम लोग लिटरेरी मीनिंग लेते हैं, नहीं, ये सब तो बेसिक सी बात है, बेसिक सा सवाल है, वो बेसिक नहीं है ये, है ना। मेटल का हार्ड ऑक्साइड को बेस बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? बेस। ये वो बेस नहीं है कि कोई सामान रख रहे हैं तो उसका ये बेस, ये वो बेस नहीं है, इसका नाम है बेस। इस जो केमिकल कंपाउंड है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेस बोलते हैं, और इसका नेचर को हम लोग बेसिक बोलते हैं, ठीक है। ये केमिस्ट्री का टर्म हो गया, इसको केमिस्ट्री का टर्म में समझना है।
तो जो भी बेसिक नेचर का चीज होगा ना, उसके साथ एक खासियत होती है, उस तरह का सॉल्यूशन में अगर तुम रेड लिटमस डालोगे ना, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, कलर चेंज हो जाता है, और उसका वो कलर हो जाता है ब्लू। अब मान लेते हैं कि दो सॉल्यूशन जिसको घर में टेस्ट कर सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, तो इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसी की जगह हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। क्या हम लोग जो है ना लाते हैं क्या कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका रिएक्शन करा लेते हैं वाटर के साथ। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब जो क्विक लाइम होता है, चूना जिसको बोलते हैं, है ना, तो इसको कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह से वाटर से रिएक्शन कराएंगे, तो ये बनाता है CaOH का हॉल ट्वाइस, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है। और ये इजीली घर में बना सकते हैं, चूना खरीद लिया मार्केट से, पानी में डाल दो उसको, है ना, इट ऑल्सो विगरसली रिएक्ट्स विद। अब देखना, अगर तुम ऐसा कैल्शियम ऑक्साइड लाते हो ना, अब इसको घर में भी समझ सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी समझ सकते हैं। ऐसा कैल्शियम ऑक्साइड ले आओ मार्केट से और खुद डालो पानी में। देखो मार्केट में दो चूना मिलता है, एक मिलता है उसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, है ना, उसको स्लैग लाइम बोलते हैं, है ना, एक होता है क्विक लाइम। तो क्विक लाइम जो होता है ना वो CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और जो स्लैग लाइम होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन नहीं देगा वहां, उसके लिए तो मुझे कैल्शियम ऑक्साइड वो भी मिलता है मार्केट में, है ना, किलो के भाव से मिलता है भाई, कोई बहुत महंगा चीज भी नहीं है, पर 10-15 रुपए KG मिलता है। तो वो ले आइए, उसको जैसे पानी में डालेंगे ना, वो क्या होता है पानी को बॉयल करना शुरू होता है ना, और इतना बॉयल होता है तुम हाथ डालोगे तो उंगली चल जाएगा तुम्हारा, इतना हीट हो जाता है। प्लास्टिक के बकेट में डाले तो बकेट गया, इतना हीट रिलीज करता है वो। रिएक्शन कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया, क्योंकि रिएक्शन क्या कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें हाइड्रोजन वाला, जो तुम घर में कर सकते हो। क्या करना है, कार्बाइट ले लेना है, कार्बाइट समझते हैं लोग, कार्बेट नाम से मिलता है ना कार्बाइड, उसको बोलते हैं जो केला वगैरह पकाने में इस्तेमाल आता है, नहीं मिलता बाजार में, काफी तेज स्मेल होता है उसमें, उसको उसका क्रिस्टल खरीद लेना है, वो भी 500 रुपए का मिल जाएगा, जैसा ढेला छोटा टुकड़ा, तुम्हें छोटे टुकड़े की आवश्यकता है, ले आना उसको किसी मेटल वाले बर्तन में, उसको करना है प्लास्टिक में नहीं करना, नहीं तो मेल्ट कर जाएगा। क्या करना है, पानी में डालना, ऐसा ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि पहले कार्बाइड रख के फिर पानी डालना, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना, उल्टा नहीं करना, बट इट कैन हार्म यू। पानी कटोरा ले लिया छोटा सा बॉल, उसमें क्या करना, कार्बाइड का टुकड़ा डाल दिया, फिर पानी डाले, नहीं भूल से भी नहीं करना ऐसा, मैं बता रहा हूँ फिर से, इसलिए बार बार ये अलार्म है, ऐसा नहीं करना। कटोरा ले लिए, उसको पहले पानी डाल दिए उसमें, है ना, और कभी भी अप टू ब्रिम नहीं भरना है, आधा भरना है, क्योंकि वो बॉयल होके बाहर निकलता है, ठीक है। तो बड़ा कटोरा कम पानी, ऐसा कर दिए, और उसके बाद उसमें कार्बाइड का टुकड़ा डालना, जैसे तुम डालोगे ना, जैसे डालोगे वैसे वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे डालोगे वैसे रिएक्शन स्टार्ट, और जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ, माचिस का तीली मारो लगाओ, पक से जल जाएगा, लग गया पानी मार। तो इसके लिए तुम ये यहाँ भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हो, और उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ये तुम घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, करके देखना पहले, लेकिन तरीका ध्यान रखना, पानी ले लेना है कटोरे में, पानी लेना है बर्तन के आकार से कम, जितना उसका कंटेनर का वॉल्यूम है उससे हाफ से भी कम पानी लेना है, और उसमें कार्बाइड का पीस डाल देना है, जैसे डालोगे माचिस रेडी रखना, क्योंकि जैसे डालोगे वैसे वो बॉयल होना शुरू होता है, और उसके बाद उसमें तिल मार देना, है ना, देखना आपको पहले, समझ गए। हम लोग बचपन में एक्सपेरिमेंट खूब करते थे, क्या चीज में करते थे, तो पहले जो है वो पान में जर्दा खाने लो नहीं आता डब्बा, तो वो सीन कराता था, तो उस डब्बा में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे, क्योंकि वो डब्बा छोटा भी रहता था, क्योंकि बड़ा बहुत बड़ा मुंह वाला तुम बर्तन लोगे ना, तो क्योंकि उसमें जो गैस निकल रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उतना बढ़िया फ्लेम नहीं आता है, लेकिन जो छोटा मुंह वाला डब्बा है ना उसमें फ्लेम बहुत अच्छा आता है और तुरंत आग पकड़ता है, तो वो उसका मुंह छोटा रहता था। अब छोटा भी तुम्हारे पास उसका क्रिस्टल है, पानी ले लो उसमें आधा डब्बा डाल दो उसमें, मारो फट से आग पकड़ लेता, दैट्स मैजिक, है ना, है कि नहीं। तो इसको घर में भी कर सकते हैं ऐसा ही फॉर फन, लेकिन कोई भी केमिकल रिएक्शन जो भी हम लोग परफॉर्म करते हैं इसको हमेशा केयरफुली करना चाहिए, है ना, नहीं तो ये नुकसान भी देता है। तो आगे बढ़ते हम लोग, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन ये घर में कर सकते हैं, इससे कोई बहुत मेजर डैमेज भी नहीं होता है। जैसे ही तुम डालोगे वाटर से विगरसली रिएक्ट करता है और वो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और रिएक्शन भी ये होता है एक्सोथर्मिक, ये भी हीट रिलीज करता है, ठीक है। अब ये तुमको क्या मिल गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, मतलब ऐसा जब बॉयल हुआ ना कुछ देर बाद क्या होता है, उसका जो चूना है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, और ऊपर में रहता है ऐसा वाटर टाइप का रहेगा, ये टाइप का रहेगा लेकिन ये रहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही, पानी जैसे दिखेगा, इसी खाली ऐसे फूको की जोर से
तो ये हो जाता है कलर मिल्की, है ना। मिल्की कलर क्या हो जाता है पता करके आना, एक क्वेश्चन दिया है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है जिसको हम लोग चूना का पानी बोलते हैं, इसको जो हम लोग ऐसा ब्लो करते हैं मुंह से। अब याद रखना मुंह से ही ब्लो करोगे तभी व्हाइट होगा, ऐसा नहीं उसमें साइकिल का पंप से हवा दे रहे तो व्हाइट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसी में रीजन भी छिपा हुआ, पता करके आना ऐसा क्यों होता है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, और इसमें जब तुम लिटमस डालोगे ना रेड लिटमस तो ब्लू हो जाएगा। अब मान लो कि दो कंटेनर है हमारे पास, ठीक है भाई, दो कंटेनर है, एक में हमारा वाटर डाला हुआ है और एक में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, देखने में दोनों बिल्कुल एक जैसा होता है। अब हमको ये चेक करना है कि कौन सा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और कौन सा वाटर है, तो क्या करेंगे, लिटमस पेपर लेंगे, रेड लिटमस, दोनों में बारी बारी से डुबाएंगे। अगर नो कलर चेंज आएगा, नो चेंज इन कलर आएगा, इसका मतलब क्या है, वो वाटर है, क्योंकि वाटर लिटमस टेस्ट में कोई कलर चेंज नहीं देता है। और जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसी में भी तुम डिप करते हो तो रेड लिटमस को क्या करता है, वो ब्लू कर देता है। अब तुम ये भी भूल जाओगे, तुमको याद नहीं रहेगा कि नहीं ब्लू को रेड करता था, रेड को ब्लू करता था, एक कंफ्यूजन आएगा। इसको भी दूर करते हैं, एक लाइन याद रखना है, ये बेस है ना, याद रखना भाई बेस, याद रखना क्या लाइन, बेस टर्न्स ब्लू, ये याद रखना, बेस क्या करता है, ब्लू करता है, बस ये याद रखना। ब्लू किसको करेगा, रेड को ही करेगा ना, अगर उसमें तुम ब्लू लिटमस डिप करोगे ना तो नो कलर नो चेंज, ब्लू ब्लू ही रह जाता है, रेड डालोगे ब्लू हो जाएगा। तो ये लाइन रखना, बेस टर्न्स ब्लू, हो गया। अब लाइफ में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, है कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, अब याद है किसी को दिक्कत है क्या, आगे नेक्स्ट। अब मेटल का रिएक्शन विद वाटर के साथ जो अभी हम लोग देखे, मेटल सर्टेन मेटल्स, सर्टेन मेटल सारा मेटल ऐसा नहीं करता, सर्टेन मेटल रिएक्शन विद वाटर टू फॉर्म मेटलिक हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, जो भी हम लोग एग्जांपल पिछले स्लाइड में देखे थे वही है। व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर एंड फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, यही हाइड्रोजन गैस जो है ये पॉप साउंड के साथ जल भी जाता है, ठीक है भाई, समझ गए क्या करता है, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है रिएक्शन के समय में। तो दो प्रॉपर्टी, दो केमिकल प्रॉपर्टी देखे, पहला रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है भाई, दूसरा रिएक्शन विद वाटर। तो रिएक्शन विद वाटर क्या होता है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जो है ना ये मोस्ट ऑफ द मेटल्स परफॉर्म करता है, लेकिन कोल्ड वाटर के साथ डायरेक्ट रिएक्शन बहुत सारा मेटल्स परफॉर्म नहीं करता है। लेकिन वो जो तीन याद दिलाया, पोटेशियम सोडियम एंड कैल्शियम, ये आंख बंद करके कहीं भी एग्जाम्पल मारो काम करता है। अगला है रिएक्शन विद एसिड। अभी देखो लो थोड़ा एसिड के बारे में डायरेक्ट आ जाते हैं, एसिड जो है वो एक्चुअली जो हम लोग नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब पता चलेगा। जैसे मेटल का ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद बेस इट फॉर्म्स मेटालिक हाइड्रोक्साइड दैट इज कॉल्ड बेस, उसी तरह से व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एंड व्हेन नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद वाटर इट फॉर्म्स एसिड, ठीक है भाई। जैसे एग्जाम्पल दे देता हूँ, ये जैसे ये हमारा कार्बन, व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब लोग नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज में पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ एसिड आ गया इसीलिए थोड़ा सा इसको डिटेल कर देता हूँ। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर इट फॉर्म्स H2CO3, इट इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनिक एसिड। तो नॉन मेटल क्या बनाता है, एसिड बनाता है, और मेटल जो है वो बेस बनाता है, ये याद रखना है ना। मेटल किस क्या बनाता है भाई, मेटल बनाता है बेस, और नॉन मेटल क्या बनाता है, नॉन मेटल बनाता है एसिड, ठीक है। मेटल क्या बना रहा है, बेस बना रहा है, नॉन मेटल क्या बना रहा है, एसिड बना रहा है, ये ध्यान रखना है। तो हम लोग पिछले स्लाइड में देखे थे कि मेटल कैसे बेस बनाता है, आगे से हम लोग देख लेंगे एसिड कैसे बनाता है। तो आगे बढ़ते हैं भाई, तो मेटल जो है ना उसका एसिड का रिएक्शन क्या है ये देखते हैं हम लोग। तो किसी भी मेटल को, किसी भी मेटल मतलब एक्सेप्ट सम सर्टेन मेटल, जैसे गोल्ड है ना, देखेंगे हम लोग पूरा जब रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे ना, तो कुछ कुछ है जो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो व्हेन मेटल्स रिएक्ट्स विद एसिड एक जनरल पैटर्न है, तो वो क्या बनाता है, मेटल का साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है भाई। जैसे इसका एग्जांपल देते हैं,
मैग्नीशियम। देखो मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट में जो एग्जांपल लिया जा रहा है वो किसको लिया जा रहा है, मैग्नीशियम को। पिछला वाला में हम लोग किसको एग्जांपल लिए थे, सोडियम को। तो यही मिलेगा एग्जांपल में, इसीलिए यही तीन दिमाग में फिक्स कर लो, मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज जहां भी देना है ये तीन नाम बस याद रखना है, काम हो जाएगा तुम्हारा। कौन कौन? पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। ठीक है भाई, इस तीन का पूरा जन्म कुंडली याद कर लेना है, इसका सिंबल क्या है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक मास क्या है, और इसका बेसिक रिएक्शंस किसके साथ क्या 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 है। इस तीन का तुम अगर काम कर लिए तुम्हारा पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते भाई। तो सॉरी, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल जो है इसको मान लेते हैं कि इट स्टार्ट रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H कैपिटल C और स्मॉल L, क्योंकि क्लोरीन जो है उसका सिंबल होता है Cl, है ना। तो जो भी इस तरह से सिंबल भी साथ में आते रहेगा उसको भी याद करते जाता है। क्लोरीन का स्पेलिंग भी ध्यान देना है, C से शुरू होता है और ये इसका सिंबल होता है Cl, ये याद रखना। ठीक है भाई, आगे बढ़े। तो जब ये HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, डिटेल में हम लोग बाद में समझेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक एसिड वीक बेस क्या होता है, अभी बस समझते जाना है। जो भी ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस आएगा हम बताते चले जाएंगे, इसको सिर्फ ध्यान रखते जाना है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। तो हमारे स्टोमक में जो एसिड सेक्रेट होता है वो भी यही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ना ये नॉर्मली गैसीय स्टेट में होता है, ये भी याद रखना। कौन से स्टेट में होता है? गैसीय स्टेट में होता है सल्फ्यूरिक एसिड, जबकि लिक्विड स्टेट में होता है नॉर्मली। तो मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बनाता है भाई? मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है, MgCl2 बनाता है। इसको ऐसे ही लिखा जाता है MgCl2, ऐसे लिखना है ना। रिएक्शन में बताया था ना कि जो ऐसा जैसे लिखा हुआ, मान लो Mg लिखा हुआ है, Cl2 लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो यहाँ सबस्क्रिप्ट जो है ना ये नंबर ऑफ एटम्स शो करता है। ये क्या शो करता है? नंबर ऑफ एटम्स, ये समझना है जरूरी है। तो किसी भी केमिकल फॉर्मूला में जो सबस्क्रिप्ट होता है कहीं भी होगा सबस्क्रिप्ट, उसका मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स। जैसे ये फॉर्मूला है मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका मतलब हुआ कि मैग्नीशियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल में एक एटम होगा मैग्नीशियम का और दो एटम्स होगा क्लोरीन का, और इनके मिलने से बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड। समझ गए बात को? अगर इसके पीछे ऐसा टू लगा हुआ है, इस टू को बोलते हैं हम लोग कॉफिशियंट, है ना। क्या बोलते हैं? कॉफिशियंट। और जो भी कभी किसी भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला में कॉफिशियंट होता है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कंफ्यूज नहीं होना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स आप बढ़ा घटा नहीं सकते। इसका मतलब किसी भी केमिकल फॉर्मूला में यू कैन नॉट चेंज द सबस्क्रिप्ट, बट यू कैन चेंज द कॉफिशियंट्स। ठीक है, जैसे अगर मेरी इच्छा हुई तो मैं ऐसा MgCl2 लिख सकता हूँ, मेरी इच्छा हुई मैं ऐसा 4MgCl2 लिख सकता हूँ, ये भी सही है ये भी सही। लेकिन अगर कोई ऐसा लिख रहा है MgCl3, ये गलत। समझ गए? किसी भी ऐसा रिएक्शन में सबस्क्रिप्ट चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है, लेकिन कॉफिशियंट चेंज हो सकता है। क्यों? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? वी आर डिस्कसिंग अबाउट सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका मतलब क्या हुआ? वी आर डिस्कसिंग हियर फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। समझ में आ रही है? तो आगे बढ़ते हैं। तो व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखो अभी यहाँ 2HCl है ना, क्यों 2HCl? अभी यहाँ क्या लिखा हुआ? HCl। यहाँ HCl लिखा हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl ही होता है, लेकिन यहाँ 2HCl लिख रखा है। क्या लिख रखा है यहाँ ना? ये टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बात की जा रही है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। यहाँ क्या? सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा हुआ है, ये
मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा हुआ, क्लियर हो गया। तो व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट फॉर्म्स मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। और यहाँ टू लिखने का रीजन ये होता है, इसको हम लोग जब आगे बढ़ेंगे इसको बोलते हैं, ये लिखने का रीजन होता है बैलेंसिंग के कारण, है ना, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसको जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है भाई, तो पता चलेगा कि ये टू क्यों लिखते हैं। अगर तुम ऐसा लिखते हो, इसको हम इसी रिएक्शन को हम लोग अगर ऐसा लिख रहे हैं Mg प्लस HCl, ऐसा लिखते हैं अगर, गिब्स, इसको गिब्स पढ़ते हैं, ये जो एरो है ना इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं गिब्स, Mg प्लस HCl गिब्स MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर ऐसा लिखते हैं ना तो ये भी सही है, ऐसा नहीं कि ये सही है और ये गलत है, ऐसा नहीं, ये भी सही है ना। ये सिर्फ क्या है, बैलेंस्ड नहीं है। तो बैलेंस्ड नहीं है तो उस रिएक्शन को रॉन्ग नहीं माना जाता केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी सही हो गया और ये रिएक्शन, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, टू HCl की जगह HCl लिख रहे हैं या टू HCl लिख रहे हैं, इससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन जब बैलेंस करने की बात आती है तब ये जरूरी पड़ता है। इसको हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है, है ना, इसके पीछे का भी रीजन है और इसको बाद में समझेंगे। तो समझ में आ गया। तो मैग्नीशियम क्या होता है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, ये मैग्नीशियम का साल्ट है। तो साल्ट का मतलब ये नहीं समझना है कि जो किचन में यूज होता है, किचन में जो यूज होता है ना वो भी साल्ट ही है, वो सोडियम क्लोराइड है। वो क्या है, NaCl है। पीछे हम लोग Na का एग्जाम्पल देखे थे ना, नहीं देखे थे। तो जब सोडियम जो है ना, इसी जगह जैसे मेटल प्लस एसिड है ना, तो यहाँ Mg प्लस HCl है, इसी के जगह पे अगर Na प्लस HCl हो जाए, है ना, Na प्लस HCl हो जाए तो क्या होगा फॉर्म, MgCl2 की जगह पे क्या फॉर्म हो जाएगा, NaCl फॉर्म हो जाएगा। समझ में आ रही। या फिर NaOH है, सोडियम का हाइड्रोक्साइड है, वो भी जब इससे रिएक्शन करता है तो भी NaCl फॉर्म करता है। इसका डिटेल हम लोग आगे देखेंगे, है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आगे जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो Mg मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट फॉर्म्स मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड इज अ साल्ट। देखो केमिस्ट्री में जहां भी तुमको क्लोराइड, नाइट्रेट, फॉस्फेट, एसीटेट, सल्फेट इस तरह का टर्म मिले, समझ जाओ ये सब होता है क्या, साल्ट। तो केमिस्ट्री में साल्ट का मतलब सिर्फ वो नहीं है कि सर किचन वाला होगा, ठीक है, किचन वाला जो है वो भी एक साल्ट है, यस इट्स ट्रू। लेकिन केमिस्ट्री में साल्ट का पूरा एक फैमिली ही है जिसमें बहुत सारा साल्ट आता है, जैसे एसिड का पूरा फैमिली है, बहुत सारा एसिड है ना, जैसे ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, बहुत सारा ऐसा, उसी तरह बहुत सारा बेस भी है। अभी जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड मतलब बेस जहाँ भी मिले, उसी तरह से साल्ट का भी पूरा फैमिली है। ये जितना भी क्लोराइड, नाइट्राइड, नाइट्रेट, एसीटेट, फॉस्फेट, फॉस्फाइड जितना भी है, ये सब क्या है, सब साल्ट, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल्स में बाद में देखेंगे। तो एक अभी तीसरा केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया रिएक्शन विद एसिड्स। तो तीन प्रॉपर्टी देख लिए, पहला रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर एंड रिएक्शन विद एसिड्स, तीन देख लिए। आगे रिएक्शन विद बेस, बेस समझ लिए थे क्या होता है। तो बेस के साथ क्या है ना, सारा मेटल बेस के साथ रिएक्शन नहीं देता है ना। अब इसमें क्या ना, लो रिएक्टिविटी हाई रिएक्टिविटी भी थोड़ा जानना जरूरी होता है। तो लेकिन एक लिखा जाता है कि मेटल्स रिएक्ट विद बेसेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो यहाँ फिर से कौन सा आ गया, सोडियम फिर से आ गया, जो तीन बताया ना, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम, ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, तीन याद रखो। इसके दर्शन तुम्हें बार बार होंगे, है ना। अब क्या है कि मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल क्या है, मेटल और बेस इसका पैटर्न लिखते हैं, मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन। एग्जाम्पल में क्या है, व्हेन एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्म सोडियम एल्युमिनेट। सोडियम एल्युमिनेट इज अ साल्ट। अभी बताया ना, एल्युमिनेट, फॉस्फेट, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, जहां भी मिले सब क्या है, साल्ट ही है। तो एल्युमिनेट क्या हो जाएगा, साल्ट हो जाएगा। तो साल्ट पचाने का तरीका समझ में आया, एंड हाइड्रोजन गैस, द रिएक्शन इज गिवन बिलो। एल्युमिनियम हो गया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, हम लोग पिछले रिएक्शन में देखे थे स्लाइड में, ये जब बनाएगा NaAlO2, ऐसा ही ध्यान रखना ये, ठीक है भाई। ये से इसको पढ़ते क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट, क्या पढ़ते हैं इसको,
ये हो गया सोडियम, ये एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, ये ऐसे ही पढ़ना है इसको। और ये रिलीज करता है क्या, हाइड्रोजन गैस, है ना। एक एक एग्जाम्पल हमेशा याद रखना है, लिख करके रखना है, समझ गए बात को। एग्जाम में जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, भाई एक एग्जाम्पल दीजिए, केमिकल प्रॉपर्टी बताए मेटल का व्हेन इट रिएक्ट्स विद बेस, तुम्हारे पास कम से कम एक एग्जाम्पल हो जिससे तुम ये एक्सप्लेन भी कर सको, ये लाइन भी लिख सके कि हाँ मेटल व्हेन रिएक्ट्स विद बेस इट फॉर्म्स मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन, लेकिन तुम्हारे पास सपोर्ट देने के लिए एग्जाम्पल भी होना चाहिए, है ना। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए ऐसे ही लिखना चाहिए, एक स्टेटमेंट हो गया, उसका फिर ये परफेक्ट लाइन हो गया, उसका एग्जाम्पल हो गया, और उसके बाद उसका एक केमिकल रिएक्शन लिख देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है भाई, केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन में क्या अंतर होता है? एक होता है केमिकल रिएक्शन, एक होता है केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, दोनों में क्या अंतर है इसको पता करना भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, आगे देखते हैं हम लोग। तो भाई हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर अभी रुकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज किसका, नॉन मेटल्स का, और हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे नॉन मेटल्स का, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स का यहाँ खत्म होता है, नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो, ठीक है भाई।